Hi everyone, welcome on Yourpedia. And my this video is related to your exam of Examiner Patent and Design being conducted by Controller General Patent Design and Trademarking on 3rd of September, that is prelim. ये मेरा जो video है, this is a motivational video for all the students who are going for the exam. कुछ points बताऊंगा which you need to keep in your mind today and tomorrow, 1st and 2nd of September. इन चीजों का थोड़ा फोकस रखना सो दैट यू गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम. लेट मी स्टार्ट दिस वे. इस एग्जाम को जो फॉर्म भरा है दैट इज सम 80,000 स्टूडेंट्स एज पर माय इंफॉर्मेशन एंड एज पर द नंबर ऑफ सीट्स आई थिंक 550 सीट्स आर देयर. सो दे आर गोइंग टू कॉल यू नो 20 टाइम्स ऑफ दैट आई थिंक दे हैव मेंशन. दैट मींस 11,000 स्टूडेंट्स को मेंस का कॉल आएगा. इसका मतलब ये है एवरी एट स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट द कॉल ऑफ मेंस एग्जामिनेशन हॉल में. सपोज देयर आर 80 स्टूडेंट सिटिंग इन अ पर्टिकुलर बैच यू नो फॉर राइटिंग एग्जाम देन 10 विल गेट क्वालिफाई. एवरी एट इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर दिस दैट पैरामीटर. फ्रॉम दैट पैरामीटर कॉम्पिटिशन इज नॉट वेरी हाई. नाउ सेकेंड इज द स्टूडेंट हु विल गो टू एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एनी प्रेशर विदाउट एनी नर्वसनेस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. ना प्रेशर ना एक्सपेक्टेशन ना नर्वसनेस. बिना इनके जाओगे तो आप अपना बेस्ट देके आओगे. यू विल गिव योर बेस्ट इन दैट. दैट इज माई यू नो रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज इयर्स दैट व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल बट इफ यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विद एक्सपेक्टेशन कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए या अपने ऊपर प्रेशर रख के देन यू विल नॉट गिव योर बेस्ट. एंड समटाइम्स ओनली 5-6 मार्क्स विल डिसाइड एवरीथिंग. 5-10 मार्क्स जो आप लूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस दैट विल डिसाइड योर कॉल फॉर मेंस एंड ऑल राइट. सो विदाउट प्रेशर विदाउट एक्सपेक्टेशन. व्हेन आई एम सेइंग विदाउट एक्सपेक्टेशन सी दिस इज हाउ यू आर टू गो. अभी आज और कल आप तैयारी करें जितना भी प्रिपरेशन करना है बट बिल्कुल काम हो जाए और गिव टेल योर सेल्फ दैट इवन इफ आई डोंट गेट इट इवन इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू फॉल. कुछ नहीं होगा एक और एग्जाम आ जाएगा एंड आई कैन क्वालिफाई दैट. एंड दिस इज हाउ लाइफ मूव्स. लाइफ रुकती नहीं है. आप आज जिस ड्रीम जॉब को चेज कर रहे हैं आप बोलते हैं ये मेरे लिए ड्रीम जॉब है मे बी टुमोरो आपको जॉब अच्छी ना लगे आप उसको छोड़ने के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे मेरे को जॉब छोड़नी है मेरे को कुछ और करना है. दैट हैपेंस इन द लाइफ. दैट मींस देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस. योर इंटरेस्ट चेंज योर यू नो आइडिया गोल ऑब्जेक्टिव चेंज सब कुछ चेंज होता है. सो इन द प्रेजेंट मोमेंट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. आपका जो भी प्रिपरेशन लेवल है जैसा भी प्रिपरेशन लेवल है बी कॉन्फिडेंट एंड गो टू एग्जामिनेशन हॉल विद दैट मेंटेलिटी. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर अटेम्प्ट करते टाइम इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद पर्टिकुलर सेक्शन इन विच यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्ट विद दैट. बिकॉज अगर इनिशियल ओवर्स में यू स्कोर गुड देन यू नो यू ओवरऑल स्कोर कैन बी रियली बिग इट कैन बी रियली गुड. सो स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द इनिशियल फर्स्ट 5-10 overs, you have to score really good. That means, आप वो section से start करें जिसमें आप confident हैं. Let me give you example, like quantitative aptitude, reasoning aptitude, let us say, suppose you are not very good in that, or suppose उसमें ज्यादा time लगेगा. तो why in the beginning आप उसको in the beginning ना करें. Suppose you started with quant and आपसे एक question नहीं निकला, दो question नहीं निकला, उसका impact आपका बाकी पूरे paper पे पड़ेगा. That can spoil entire paper. Start with that section in which you are confident. Let's say if you're very confident in particular section, let's say English or let's say general knowledge, current affair or IPR, then you start with that and keep on going. So suppose first half time of exam, you are feeling good that I'm solving. The rest half will also be gone good. That will be good for you. This with this mentality you have to do. Aas paas jo students baithe honge, don't observe them. Don't talk much with them. जस्ट फोकस ऑन योर वर्क कामली कूलली फोकस ऑन योर वर्क एंड डोंट डू द जजमेंट कि मेरा पेपर अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है. डोंट डू दैट बिकॉज कम नंबर पे भी कॉल आता है मेंस का. दैट इज हाउ इट इज देयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इवनिंग 3rd September डोंट मेक मच एनालिसिस. जब आपका हो जाएगा पेपर तो एनालिसिस मत करो. कम बैक होम 4th September स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ द मेंस बिकॉज दैट इज वेयर यू कैन क्रिएट एन एज विद अदर स्टूडेंट्स. That is something which is important. Most of the students will start analyzing the paper. मेरा कैसा हुआ तेरा कैसा हुआ कितने नंबर आएंगे. Natural है आप रोक नहीं सकते. अगर करना भी है तो कर लेना लेकिन that should not affect your preparation for the mains. आप 4th को mains की तैयारी start कर दो. Because 10-15 दिन का जो आपको
वो मिलेगा, मेंस का प्री का रिजल्ट आने से पहले जो टाइम होगा, दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, आपको पूरी मोटिवेशन क्या मेंस में लगना है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू रियली गुड इन दैट। थैंक यू।